हाय एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिलास वाण। तो वीडियो कंप्लीट वाच कीजिएगा, चैनल पर जो भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद न्यू टेक्स्ट हटा देना है और सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने अपना कोई भी नेम टाइप कर देना है। जैसा कि यहाँ पर मैं नेम टाइप करूँगा रोज़ी, ठीक है। रोज़ी लिखने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है और नीचे आ जाना है और ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिसेंट में आना है। तो रेडी मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने माय फॉन्ट में आकर फॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, पहले मैंने ये मतलब नेम बनाया था, तो इस वजह से यहाँ पर ये आ गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसमें स्पेसिंग देनी है, तकरीबन 10 पॉइंट तक स्पेस दे लेनी है यहाँ तक, ठीक है। 10 पॉइंट तक स्पेस दे ली। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर बेजिल सेलेक्ट कर लेना है और इस टेक पे क्लिक कर लेना है, मतलब इस कार्व पे क्लिक कर लेना है। अब टेक पे क्लिक कर लेना है। अब आप लोगों ने इस कार्व को पूरे मतलब नेम में एडजस्टमेंट कर लेना है, जैसे भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना कि इसी कार्व पे क्लिक रखनी है, स्ट्रोक मैंने इसको अनेबल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने 2 तक रखनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब आप लोगों ने बैक आ जाना है और इसको रेज कलर कर देना है। अब आप लोगों ने 1 पे क्लिक करके इसको यहाँ पर लेना और ओके कर देना है, ठीक है। और टॉलरेंस फॉल कर देनी, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो बाकी यार मैंने ईद के एक दिन पहले मतलब लाइव आया था, तो एक भाई ने कहा था कि भाई आप सिंपल भी ग्लास फंड सिखाएं और बाकी आप हार्ड रिटर्न करते हैं। तो इंशाल्लाह यार मेरे चैनल पर ऑलरेडी सिंपल भी हैं और मैं सिंपल बनाकर दिखाया भी करूँगा और मैं हार्ड भी बनाकर आप लोगों को दिखाया करूँगा। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने PES टच में आ जाना है। अब मैं PES टच में आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने प्लस पर क्लिक कर देनी और अपना वो फोल्डर ढूंढना जिसमें आपकी पेक पड़ी है, ठीक है। हाँ फ्रेंड, तो ये वाला फोल्डर मैंने ढूंढ लिया, इसमें मेरी पेक पड़ी है, तो मैं यहाँ पर पेक ऐड कर दूंगा। पेक ऐड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पर अपना भाई नेम ऐड कर लेना है। नेम ऐड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, वो तरीका मैं सारा बता देता हूँ आपको। तो एक भाई ने कहा था कि भाई आप सिंपल भी रिटर्न सिखाया करें, आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग मतलब है रिटर्न करते हैं, तो इसलिए हमें मतलब समझ नहीं आती। तो यार मैं सारी वीडियोज़ बनाया करूँगा, सिंपल भी सिखाया करूँगा और हार्ड भी सिखाया करूँगा, ठीक है। दोनों सिखाया करूँगा ऑलरेडी मेरे चैनल पर, सिंपल भी है हार्ड भी है, मतलब मिक्स वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर देना है, नीचे वाली को हाइड कर देना है, ऊपर वाली को सेलेक्ट करना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। इसका ब्लर 45 पे कर लेना है और इसकी जो डिस्टेंस ये भी 45 पे कर देनी है। एंगल पहला 180 करना है, कलर वाइट रखना है, ठीक हो गया। और जो दूसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 45 पे कर देना है और जो तीसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 135 पे कर लेना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने 2 लाइन्स पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है, ऑलरेडी मैंने ये इसकी सेटिंग की हुई है, ठीक हो गया। टेक पे क्लिक कर देना है, फिर पेंसिल में आना और यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद फिर पेंसिल में आ जाना है, फिर पेंसिल में आप लोगों ने नहीं आना, फिर आप लोगों ने प्लस पे आना है और एम्प्टी लेयर दे लेनी है। एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है और इसकी जो वेथ है ना ये 20 पॉइंट तक रख लेनी। इतना होने के बाद आप लोगों ने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। अब आप लोगों ने FX में आना है और बेवल में आ जाना है। इस दफ़ा आप लोगों ने ब्लर 15 कर लेना है और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये भी 15 पे कर लेनी है। एंगल पहला 180 और जो दूसरा एंगल है ना ये 45 और जो तीसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 135 पे कर लेना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने 2 लाइंस पे आना है और कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है और अब आप लोगों ने FX में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने शेडो में आ जाना है। इस पर एक दफ़ा शेडो भी लगा लेनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने FX में आना है, फोटो में आना है और यहाँ पर ओल्ड सेपिया ले लेना है। इसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी 100 है, सेचुरेशन भी ऑलरेडी 100 है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अगर आप ये हाफ आपकी हुई या थोड़ी कम ज़्यादा हुई तो आप लोगों ने 100 कर देनी है। इतना होने के बाद आप लोगों ने नीचे वाली को ऑन कर लेना है। अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर ऊपर वाली को ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट पिक्सल में आ जाना है। सेलेक्ट पिक्सल में आने के बाद आप लोगों ने कलर बैलेंस में आ जाना है और ये रेड कलर रख लेना है, ठीक है। ग्रीन को -100 पे, ब्लू को -100 पे और इसको तकरीबन 50 पे कर देना है, इसको हाफ रखना है। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने ऊपर वाली को सिंपल ऑन कर देना है। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट रखना है और मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट रखना है। इस कंटिन्यूस की टेक को ऑफ करना है, ठीक है। जिस जगह ये ब्लैक है इस जगह आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट पिक्सल कर देगा। अब आप लोगों ने करना है लेयर फ्राम सिलेक्शन कर लेनी है और एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पर क्लिक करके फिल पर क्लिक कर लेना। ये वाइट पेज मतलब सॉरी वाइट पेज कह रहा हूँ, वाइट कलर आ जाएगा। अब आप लोगों ने FX में आना है, बेसक में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर वाइट, एंगल पहला 180 और जो दूसरा एंगल है ना ये 45 और जो तीसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने 135 पे कर देना है।
अब आप लोगों टू लाइंस पे आना है और कर्व्स में आ जाना है। कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है और इस पर एक दफ़ा फिर शेडो लगा लेनी है। शेडो लगाने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, तो फुल ऊपर कर देना है, एफ एक्स में आना है, फोर टू में आना है और मून लाइट सेलेक्ट कर देना है, इसको फुल रखना है और फिर टू लाइंस पे आना है और सेचुरेशन में आ जाना, इसकी सेचुरेशन फुल कर देनी। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या, सेकंड लेयर को कर लेना है सेलेक्ट, इस पे कलर किया एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और ग्लो में आ जाना है 0.6, इसका ब्लर कर लेना है, कलर आप लोगों ने सिंपली वाइट कर लेना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या, एक और प्रोसेस आप लोगों ने करना है, इस लेयर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है, फिर आप लोगों ने आ जाना ट्रांसफार्म में और एक्सपेंड को फुल कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में आ जाना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक रख लेनी है, ठीक हो गया। और इसकी भी आप लोगों ने ना विथ जो है 20 पे मेरा भाई कर लेनी है, ठीक हो गया। इतना होने के बाद फिर आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, बेवल में आ जाना है, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर वाइट और एंगल पहला 180, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फास्ट आप लोगों को बताऊँगा क्योंकि आप लोगों को पहले मैंने ये बात बताई हुई है, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है और इस पर एक दफ़ा फिर शेडो लगा लेनी है और इसको यहाँ तक छोड़ देना, इसको सबसे नीचे कर देना है, ठीक है, सबसे नीचे इसको कर देना है। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया, आप इसको ऊपर नीचे जहाँ पे भी रखना चाहें आप पे डिपेंड करता है भाई, आप रख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ही रखूँगा। अब हमारे कुछ पीएनजी हैं वो मैं यहाँ पर ऐड करके दिखाऊँगा, मैं जल्दी जल्दी मैं ऐड कर लूँगा। बाकी ये वाला पीएनजी है, ठीक है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा संभाल करके तकरीबन यहाँ पर इसको लगा लेना है और फिर पेंसिल मैंने इसकी कॉपी करनी, फिर पेंसिल मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है कहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर। तो एक और पीएनजी है वो भी मैं ले लेता हूँ। तो बाकी यार लाइट लगाने का तरीका मैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, अगर किसी को फिर भी समझना है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, वो इजी तरीका है। अगर किसी को लगाने का अभी तक भी नहीं पता चल रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो भी बता दूंगा, ठीक है, लाइट में लगाकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ ये बात। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि सारे वार्ड में मतलब भाई आप इसको अच्छे तरीके से जिस जगह पे आप लोगों का दिल करे आप लोगों ने लगा देना है। यहाँ पे आप लोगों का फाइनली ग्लास वन रेडी हो गया है, तो आप लोगों ने डन पे क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है।